नमस्कार सभी साथियों का, सभी दर्शकों का HBN 24 न्यूज में स्वागत है। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल आप सभी का स्वागत करता हूं और दर्शकों से अपील करता हूं कि खबरों की इस वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ऊपर दिए गए निशान से जरूर कीजिए। एक बहुत ही बड़ा सड़क हादसा आज रेवाड़ी के अंदर देखने को मिला। आपको बताना चाहूँगा कि एक ब्रेजा गाड़ी कार से बस टकरा चुकी है, जिसको लेकर डिफरेंट कहानियां बनाई जा रही है, लेकिन आखिर सच क्या है मैं आपको बता देता हूं। जी हां, यहां पर आसपास के लोगों का मानना है कि एक ब्रेजा गाड़ी एक होटल पर रुकी थी चाय पानी के लिए, और वो गाड़ी जैसे ही रुकी थी तो उसके अंदर 5 लोग बैठे हुए थे। एक सोनीपत रूट की बस या सोनीपत डिपो की बस तेज रफ्तार में आई और गाड़ी से टकरा गई, जिसके टकराने के कारण मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि एक शख्स की गर्दन तक धड़ से अलग हो गई। साथ साथ में काफ़ी दावे भी किए जा रहे हैं कि कार दूसरी साइड से जा रही थी, जो संतुलन खोने के बाद डिवाइडर से टकरा कर रोंग साइड आ गई और रोंग साइड आ रही बस से टकरा गई। ऐसे भी कुछ यहाँ पर कहानियाँ बनाई जा रही है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, सच्चाई का पता लगा रही है कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ। तो साथियों, इस हादसे की आखिर मेन वजह क्या है, इसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिए, और जो भी लोग इस हादसे में जान गंवा चुके हैं उनके लिए RIP जरूर लिखेगा। बस में बैठे लगभग 10 से 15 लोग घायल भी हुए हैं, और यहां पर बताया जा रहा है कि कार में मरने वाले लोग एक ही गांव लादूवास के थे, तो लादूवास गाँव में सन्नाटा पसर चुका है। लादूवास गाँव में यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। जय हिंद, मिलेगा HBN 24 के साथ, जुड़े रहिएगा। जय हिंद।